और एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां सीबीआई दफ्तर पहुंचा है संदीप घोष। आज फिर संदीप घोष से सीबीआई के सवाल होंगे। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ की जाएगी। रेप और हत्या के मामले की जांच कर रही है सीबीआई, और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो चुका है, और इन सबके बीच सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचा है डॉक्टर संदीप घोष। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की बेरहमी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के प्रिंसिपल को हटा दिया गया था संदीप घोष को, लेकिन संदीप घोष के ऊपर कई और गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं, और इन सब के बीच सीबीआई अहम सुराग तलाशने के लिए लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। इस रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। संदीप घोष जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे तो उसे पद से भी हटाया गया, लेकिन अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। और कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स डॉक्टर संदीप घोष के पहुंचने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक घमासान भी जारी है। ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। लेडी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या की गई थी, उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में संजय रॉय नाम के शख्स को पकड़ा गया है। कोलकाता पुलिस ने उसे पकड़ा था, लेकिन बाद में सीबीआई ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की मांग है कि ममता बनर्जी की भी जांच कराई जाए, ममता का फोन लेकर के जांच कराई जाए। सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, जो कि ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर है, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की भी जांच होनी चाहिए, उनका फोन लेकर के जांच की जाए। दरअसल आरोप लगा रही है बीजेपी की तृणमूल कांग्रेस के और संदीप घोष के काफी अच्छे रिश्ते हैं, और यही वजह है इतना बड़ा कांड होने के बाद भी संदीप घोष को पद से हटाया नहीं गया, बल्कि उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर के वहां रेड होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ममता बनर्जी का फोन लेके उसका इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन आया है हाल ही में, वो स्टिंग ऑपरेशन दर्शाता है कि इस घटना को आत्महत्या दिखाने की साजिश हो रही थी, और इस आत्महत्या दिखाने की साजिश को लेकर पूरा तृणमूल इसमें जुटा हुआ था। जो मीटिंग में बैठे थे लोग, वहां से क्या मुख्यमंत्री के पास फोन गया था क्या, हेल्थ मिनिस्टर के पास फोन किया था क्या, पूरी चीज की जान इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और सबको अरेस्ट। डॉक्टर बेटी के गुनहगारों पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कोलकाता के हैवानियत कांड के दो मुख्य किरदार सीबीआई के राडार पर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीमों ने छापेमारी की, जबकि हैवानियत का चेहरा बन चुका आरोपी संजय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और हैवानियत का चेहरा संजय रॉय पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच की रेड के बाद से डॉक्टर संदीप घोष सुर्खियों में है। सीबीआई की टीम ने करीब 14 जगहों पर छापेमारी की है। डॉक्टर संदीप घोष के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी हुई है, जबकि एक टीम हावड़ा में मेडिकल कॉलेज के ठेकेदार विप्लव सिन्हा के घर भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक मामला डॉक्टर संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस का भी एफआईआर किया है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने। इसके बाद ही सीबीआई ने आज कई जगहों पे छापामारी की है, जिसमें संदीप घोष के घर में सुबह 7:45 बजे पहुंच गया सीबीआई का टीम। यही वो घर है जहां पे 1.25 घंटे तक सीबीआई को बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि अंदर से संदीप घोष वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। दूसरी ओर हैवानियत का चेहरा बन चुका संजय रॉय अब सीबीआई के सामने एक सच कबूल कर रहा है, लेकिन बेहद ही शातिराना तरीके से। इसलिए उसका माइंड गेम समझने के लिए अब सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। आरोपी संजय रॉय का जेल के भीतर ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। घटना की रात मौजूद बाकी 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी सीबीआई ने शनिवार को किया है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी में अभी तक संजय राय को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस के हिरासत में रहते हुए अपना जो दोष है वो कबूल भी कर लिया था, ऐसा सूत्रों का मानना है। इसके साथ साथ जो लेडी डॉक्टर का जब डेड बॉडी और मेडिकल रिपोर्ट सामने आया, उसके बाद से सीबीआई को उसके बात पर भरोसा नहीं है। सीबीआई का मानना है, सीबीआई को यकीन है कि संजय के दिमाग में उस रात का कुछ और सच भरा हुआ है। अब इस सच को निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने संजय रॉय और संदीप घोष के लिए सवालों की जो लिस्ट तैयार की उसके दो हिस्से हैं। संजय रॉय और संदीप घोष के जवाबों के सच और झूठ को समझने के लिए पहले हिस्से में उनके सामने सामान्य सवाल पूछे गए, जैसे क्या आपका नाम संजय रॉय है, क्या आप कोलकाता में रहते हैं, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में ही थे, क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है, क्या आपने कभी झूठ बोला है। हैवानियत से जुड़े एक एक आरोपी को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप कांड के आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला डॉक्टर से रेप के आरोपी संजय रॉय का जेल के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। सीबीआई की टीम प्रेसिडेंसी जेल पहुंची और दोपहर करीब 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रेप कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई के अधिकारी प्रेसिडेंसी जेल से निकल गए। हालांकि पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों के हाथ क्या जानकारी लगी इसका खुलासा होना अभी बाकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संजय राय लगातार अपने बयान बदल रहा है। हिरासत में रहते हुए उसने अलग अलग जानकारी देकर सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की और इसलिए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी हो गया था, जिसे पूरा कर लिया गया। उधर सीबीआई ने डॉक्टर घोष के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोध यूनिट ने मरीजों के प्रबंधन और देखभाल के लिए ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और ऑफिसों की तलाशी ली।